हर हर महादेव दर्शकों, आज है श्रावण का पहला सोमवार और हम फास्ट रख रहे हैं। तो मैंने नहा धो लिया, तो अभी हम मंदिर जा रहे हैं और वहाँ पे जल अभिषेक करके पूजा वगैरह तो मैंने कर ली है, लेकिन जल अभिषेक करके और मस्त फिर हम लोग तिलक वगैरह लगाएंगे, बाल बांध लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि गीले बालों में मंदिर नहीं जाते। ठीक है, यस, हम व्लॉग शूट कर रहे हैं आज। चलो मंदिर से होकर आगे देखो कितना सुंदर तिलक लगाया है पंडित जी, सबको तिलक लगा रहे थे बेचारे, थक गए होंगे सुबह से अभी तक। बड़ा अच्छा मंदिर है यार ये, हमारे घर के पास खुला हुआ है और अभी सबका फास्ट है, थोड़ी मम्मी की हेल्प करा देते हैं, है नी। तो भाई लोग फास्ट के फ़ायदे स्टार्ट हो चुके हैं। ये मैं काजू और किशमिश खा रही हूँ जो कि मुझे नहीं खाने देते हैं क्योंकि मैं गर्म तासीर की हूँ तो मुझे गर्मी वगैरह हो जाती है, पर आज खुद दे रहे हैं कि बच्चे खाओ। और नुकसान ये कि जिम नहीं जाने यार आज मुझे, मैं पिछले 2 दिन से भी नहीं गई थी, आज तीसरा दिन है, 3 दिन मेरी जिम मिस होगी। तो अब मैं पता नहीं पूरे दिन क्या करूँगी घर पे। हेलो गाइज, आई एम बैक इन किचन। तो आज हम बनाने लगे हैं क्योंकि इस फास्ट में कुछ भी नमकीन नहीं खाते हैं, तो हम सिंपली आलू चिप्स बनाएंगे। और ये मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मैं अभी घर पे अकेली हूँ, इस घर की मालकिन हूँ, मतलब अगर अभी यहाँ पे आग लग गई तो मुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो एनीवेज मैं इसे बना रही हूँ क्योंकि सब मार्केट गया हुआ है, सबका फास्ट है, तो मतलब मैं बना देती हूँ। और उनको देख के बड़ा ज़्यादा शक होने वाला है तूने बनाया, लेकिन फिर भी हम बना देंगे यार। चलो पौन का मारू पौन। अरे यार, तो अभी हमारा बैठे बैठे प्लान बना है कि हम लोग जा रहे हैं शिवखोड़ी, ये तो लेट्स चेंज। वैसे तो ये आउटफिट भी ठीक है लेकिन इसमें पॉकेट्स नहीं है यार, तो वी हैव टू चेंज। ये ऑलमोस्ट 1 बज चुका है और हम लोग निकल रहे हैं। मैं पिलो ले रही हूँ क्योंकि मैं रास्ते में सोऊंगी, आज मैं सुबह थोड़ी जल्दी उठ गई थी 7:30 बजे इसलिए। कितने सुंदर बादल है, अभी बहुत ज़्यादा बारिश होगी शाम को। 50,000 उल्टियाँ मारने के बाद मैं शिवखोड़ी पहुँच चुकी हूँ, मतलब अभी हम नीचे हैं जा रहे हैं ऊपर। बड़ी धूप है यार, बस बारिश हो जाए, बारिश हो जाएगी है ना, सैटरडे बारिश होगी। क्या लगता है आपको, जब हम आधा रास्ता होंगे तब तूफान चलेगा? देख रहे हो, प्रेडिक्शंस देखते हैं कितनी सही होगी। अगर ये सही हुआ ना फिर हम इससे पूछेंगे कि 2023 के अंत तक दुनिया ख़त्म हो गई या नहीं। मैं बोल रही हूँ तूफान चलेगा, चुप हो जाए, चुप। ए छोटू आओ, दौड़ के आओ यार। लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना तो हम स्कूल के साथ आए थे, तो मेरी एक फ्रेंड थी पलक, थी नहीं है वो भी मेरे कॉन्टैक्ट में, तो हम लोग ने यहाँ पे खड़े होकर पिक्स खिंचवाई थी। नॉस्टैल्जिया इज सिटिंग मी। हे मीट दाना, मम्मी, दीदी, मैं, यस। कैसे ना इन जगहों पे आके घोड़ों से डर लगता है, देखो कैसे आ रहे हैं सारे। ये मेरा दानिश, नहीं चल तू घोड़े में बैठ जा, तुझे बैठने की प्रैक्टिस ही आएगी फिर। देख ये देख, नहीं नहीं मिटा, मिटा नहीं, मिटा मिटा दिया मेरी शोर के साथ साफ। यस मम्मा, मैं तो थक ही नहीं रही, फुफ
स्ट्रॉन्ग आया हम सक्सेसफुली पहुंच गए इजी पीजी। मैं डर रही थी वैष्णो देवी की यात्रा से कंपेयर करके। पहुंच गया है दीदी और दानिश अंदर गए। देखो अभी यहाँ से नीचे देख के मुझे चक्कर आ रहा था। तो टॉकिंग अबाउट शिवखोड़ी, तो जैसे कि शिवखोड़ी शिवास केव भी कहा जाता है इसको, तो ये केव शिव जी ने अपने त्रिशूल से बनाई थी जिसमें लॉर्ड शिवा माँ पार्वती और नंदी जी यहाँ पे छुपे रहे थे क्योंकि भगवान शिव ने एक राक्षस से भस्मासुर उनकी तपस्या से खुश होकर उनको एक आशीर्वाद दे दिया था, वरदान दे दिया था कि वो जिसके भी सर पे हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। और राक्षस तो राक्षस होता है, या बाद में वही भस्मासुर उनके भगवान जी के पीछे पड़ गया। फिर बाद में शायद इंद्र भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके डांस करते करते, मतलब वो उनको इमिटेट कर रहे थे, भस्मासुर इंद्र जी को इमिटेट कर रहे थे, तो उन्होंने डांस स्टेप में सर पे हाथ रखा और वो खुद भी भस्म हो गए थे, मतलब भस्मासुर खुद भी भस्म हो गए थे। और तब तक के लिए लॉर्ड शिवा यहाँ पे रहे थे। और इस केव के अबाउट बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जैसे कि ये कहते तो हैं ये 500 मीटर की है, पर यहाँ पे जो यात्रियों को एलो किया गया वो सिर्फ अबाउट 150 तक ही किया हुआ है, उससे आगे वाली स्टिल आर मिस्ट्री टू नंबर ऑफ पीपल। कुछ साधु गए हैं जो अंदर, वो कभी लौट के वापस नहीं आए। और मम्मा भाई मंकी आ गया, कट कट कट। और कहते हैं कि इस गुफा के अंदर से दो रास्ते हैं, एक तो स्वर्ग को जाता है और एक सीधे अमरनाथ वाली केव है वहाँ पे जाके खुलता है, पर वहाँ पे अभी वो बंद किया हुआ है यात्रियों के लिए क्योंकि जो जो गया है वो वापस नहीं आया, तो ऐसे रिस्क में नहीं डालते लाइफ के। यस आई एम जस्ट एंजॉयिंग द व्यू। ये देखो मंकी, हाय मंकी, मंकी यार नाराज़ है मुझसे, चली गई, शुक्र है चली गई, इसी ने मेरे को डराया था अभी पीछे। सो अभी हमें दर्शन करने जाना है और इतना ज़्यादा रश है ना भाई, और इतनी लंबी लाइन है। मेरी दीदी और दानिश गए थे, उधर वापस आ गए, हम लोग तो दर्शन कर कर आ गए हैं। ये देखो मेरा ये इतना रश है ना भाई, गॉड इतना मेरा आज तक नहीं था। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ, ये लाइन है भाई, मतलब इधर से आगे एक मोड़ है उसके नीचे तक लाइन है कि ये अभी फुटेज खा रहा है, तो मस्त वो है गुफा, तो यहाँ से है न्यारा। भाई के 11th का रिजल्ट आ गया है, पास हो गया गाइस, वापिस जा रहे हैं। ये हमें मिल चुके हैं मंदीप जी, अभी जाना है, मारूंगी ना मैं, कह रही आप मेरे क्या मंदीप जी। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, चाचा भतीजा ब्लॉग्स। नहीं यार सच में, ये तो गया, कब से आया हुआ है, डालूंगी मत मार यार। और भैया क्या हाल, तो यहाँ पे अपनी वीडियो बना रहे हैं और दानिश वहाँ पर लोगों के बना रहे हैं। कोई शक नहीं करी, चेक नहीं गाइस, कोई सिंगल लड़की तो डीएम करो। हम लोग यहाँ से नीचे आते, हमने रुद्राक्ष लिया, ये 5 मुखी है, ये 2 मुखी है, इसे तुड़ी मार ली माए, दोनों ने 5 मुखी लेना था, ये कहते नहीं मैं 2 मुखी लूंगी, बुला ही है वहाँ। एक बेटी नहीं पैदा कर सकते थे आप, वही कह रहे मुझे पैदा कर रहे, पता है मेरे को पैदा करना था, नहीं मुझे कर क्यों, हर जगह तेरी पॉटल, वो तेरा घर डस्टबिन तेरा। शाम हो चुकी है ऑलमोस्ट और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा दिन जाएगा, ठीक है इट वाज अ गुड वन। बस वो वहाँ पे रश में जो हुआ ना, मतलब मैं उस वक्त से घबरा रही थी, मैं बोल रही थी यार मतलब इतने लोग वहाँ पे, 300-400 पुलिस वाले थे और 300-400 लोग कैसे हैंडल कर सकता है कोई, तो इट वाज रियली मतलब ऐसे मेरा से दिल टूट गया। तब तक 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 तो कभी कभी मैं रुद्राक्ष डालूंगी फिर इससे मेरा मन शांत रहेगा, टेंशन भी कम हो, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से होगी, फिर मेरे बाल लंबे हो जाएंगे, फिर बहुत सुंदर हो जाओगी, है ना। नीचे तो आ गए, अब सब कुछ ना कुछ खा रहे हैं, फिर उसके बाद आज यहाँ पे वो एक सेलिब्रिटी भी आया, हम लोग यहाँ पे खड़े थे ना, तो वो जो पीछे वाले अंकल है ना वो कह रहे तुम्हारी आवाज अच्छी है, आप सिंगर हो, आए हाय हाय हाय, इतनी खुशी मुझे जिंदगी में आज तक नहीं हुई, मेरे घर वाले तो बोलते तू बस चीखती है,
अच्छा है यार। फास्ट सामने गोलगप्पे लगे हैं, इधर मैगी लगी हुई है, कुलचा इतना टेस्टी है दिखने में बाय गॉड, लेकिन अफसोस में कुछ नहीं खा सकते। शाम के 8:30 हो चुके हैं और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, बस घर पहुँच के मेरे डैडी। गाइस आर बैक, बहुत गंदी उल्टियाँ हो रही है मुझे, बाय।